हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई चैनल। गाइज, वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। मैं आज आप लोग को लाइट्रॉन सीसी का जो मैक्स टूल का यूज़ है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नए नए अपडेट मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइज, हमको लाइट्रॉन चलाने के लिए सबसे पहले उसमें जो हमारा फोटो होगा उसको ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे आइकन पर जाना होगा, फिर टच किया, उसके बाद टाइम का ऑप्शन आएगा, फिर आपको जो आपका पिक होगा, मैं अपना पिक जो है मैं जिसको एडिट करने वाला हूँ मैं उसको चूज करता हूँ। तो वो जो मेरा पिक है वो है ये वाला, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये कुछ देर में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे वन फोटो सक्सेसफुली इम्प्रूव दिखाएगा। आल फोटोज पे आप जाओगे तो देखो मेरा फोटो जो इसमें ऐड हो चुका है। तो पहला काम तो ये हो गया, इसको मेरा देखिए फोटो जो है ऐड हो चुका है। अभी ऐड हो गया, अब इसको हम सिंपली करेंगे लाइटरूम में एडिट, मतलब लाइटरूम को कैसे यूज करते हैं, मिक्स टूल वगैरह कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हमको सिंपली पहले जाना होगा, पहले हमको ये देखना होगा अपने कपड़े पे, तो मतलब हमारा जो पिक है उस पर बैकग्राउंड जो है ग्रीन है कैसा है, तो वो सब इफेक्ट कब करेगा, मतलब जब आपका बैकग्राउंड वगैरह वो ऐसा ही रहेगा जैसा टूल में कलर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हमको चलाने के लिए क्या करना होता है, हमको सबसे पहले जाना होता है इस आइकन पे जिस मतलब जिस टूल बना हुआ है, ठीक है, सूरज बना हुआ है, उस पर हम लोग जाते हैं। तो जो एक्सपोजर होता है इसको हम सिंपली हमेशा हल्का या हल्का रखते हैं, ठीक है। और जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको जो होता है इसको भी थोड़ा कम ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट जो है इसको भी हम कम रखते हैं और कॉन्ट्रास्ट को भी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, ठीक है, ये फोटो में हमारी लाइट आएगा, ठीक है। तो गाइज, तो जो कॉन्ट्रास्ट होता है हमेशा मतलब बढ़ाया जाता है, मैंने बताया था घटाया जाता है लेकिन सॉरी ये बढ़ाया जाता है, ठीक है। शेडो जो होता है हमेशा कम किया जाता है, मतलब आप जितना भी रख दो। व्हाइट जो होता है उसको बढ़ा देते हैं जिससे फेस की क्लियरिटी आती है, और ठीक है जिसमें मतलब हमारे फेस वगैरह पे स्किन पे जो भी ब्लैक्स होगा वो डाउन हो जाएगा। आप सिंपली अब अगले ऑप्शन पे जाते हैं जो कि मिक्स टूल है, जो कि मैं इस वीडियो में परफेक्टली आप लोग के ये वीडियो में बनाया हूँ कि मिक्स टूल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से मतलब लोग हैं जो मिक्स टूल का इसमें यूज़ नहीं कर पाते हैं, फोटो बेकार एडिट होता है तो लोग परेशान होते हैं, तो उनके लिए मतलब मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, नया तो सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। तो देखो एज शॉर्ट है ना, तो इसको हम सिंपली कर देते हैं कस्टम पे। सिंपली ये पहला स्टेप होता है मिक्स टूल में कस्टम कर देना है, ठीक है। कस्टमिंग हमें इसी चीज़ के मतलब सब कुछ फोकस करना है, ठीक है। और वाइब्रेशन जो होता है इसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, और सेचुरेशन को भी इंक्रीज कर देते हैं, वाइब्रेशन सेचुरेशन को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा कर दोगे, देखो ज़्यादा कर दोगे तो स्किप किया जाएगा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है यार, दो तीन पॉइंट जो भी करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर देखो मिक्स टूल का ऑप्शन आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट कह रहा था तो वो तो मुझे कुछ करना नहीं है। मिक्स टूल पे जाओगे तो देखो रेड वाले पे जाओगे ना, तो इधर उधर करोगे तो फेस पे ज़्यादा कुछ आ रहा है, ठीक है ना, तो ये बेकार है, ठीक। तो मतलब यहाँ से आप जूते का कलर चेंज कर सकते हो, तो ये जूते का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है यहाँ से। और यहाँ से जो हम लोग सिचुएशन को इसको कम कर देते हैं, तो ये सब मतलब फेस पे मेरे आ जाएगा, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसको हम लोग सिंपली रखते हैं यहीं पे, स्किन पे रखते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं जिससे लाइट आएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे ऑरेंज वाले, इस पे जाएंगे तो हमारा जो ल्यूमिनस है उसको हम बढ़ा देंगे। इसमें तीन ही ऑप्शन होते हैं गाइस, एक ह्यू होता है, एक सेचुरेशन होता है, एक ल्यूमिनस होता है। तो हमको तीनों में इंक्रीज करना है, तीनों अगर आप सीख लिए अच्छे से तो आप लाइटरूम से बेहतर एडिटिंग कर पाओगे। तो हम लोग अब सेकंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं और ल्यूमिनस को जो इंक्रीज करते हैं जिससे फेस की क्लियरिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कर रहा नहीं है क्योंकि ये फेस मतलब ये पिक जो है वैसे ही मतलब साफ दिखाई दे रहा है। अब सिचुएशन को थोड़ा सा मतलब जो है कम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं, ज़्यादा नहीं, बस एक पॉइंट तक। अब ह्यू को जो है इसको थोड़ा सा कम करते हैं जिससे चेहरे पर मतलब हल्की हल्की लाइट आएगी, ठीक है, जिससे फोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखाई देगा। यार वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। और देखो येलो वाले ऑप्शन पे जाओगे ना, तो ये येलो वाले ऑप्शन पे जाओगे तो इधर जाओगे तो देखो बैकग्राउंड कैसा हो रहा है, और इधर जाओगे तो ग्रीन हो रहा है, ठीक है। तो मुझे तो मैंने मतलब बताना, आप दोनों कर सकते हो, बैकग्राउंड जैसा आपका दोनों कर सकते हो, तो मैं सिंपली इसको इधर ही रखता हूँ क्योंकि अगर ऐसा कर देता तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोग इधर भी कर लेना फोटो और बैकग्राउंड के हिसाब से। तो मैं पूरा 100 तक ठीक कर दिया अगले वाले ऑप्शन पे जाके। फिर सिचुएशन मैंने बोला ही, सिचुएशन ल्यूमिनस ये नहीं होता, सिचुएशन पे जाना है। उसके बाद हमको क्या करना है, सिचुएशन पे इसको बढ़ाना, तो ये मतलब ग्रीन हो जाएगा, तो इसलिए हम मतलब इसको बढ़ा देते हैं, मतलब जिससे फोटो में लाइट आए, ठीक है। तो हम इसको 54 तक, ल्यूमिनस भी होता है, ल्यूमिनस तो आपको कहते हैं, इसलिए देखो ये जो क्लियरिटी वो बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग ज़्यादा नहीं 40 तक इंक्रीज करते हैं, आप लोग मतलब फोटो बैकग्राउंड के हिसाब से आप लोग कर लेना। फिर ग्रीन वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। अब ग्रीन वाले ऑप्शन पे जाओगे तो उधर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन मत करना यार, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने पहले से इसको मतलब अलग कर रखा, तो मैं ही को सीधा कर लेता हूँ, ठीक है।
उसके बाद में देखो मैं इस पर कम कर लिया ही को 100 सिचुएशन को यार देख लेना, इसको इंक्रीज मत करना, मतलब इंक्रीज कर सकते हो यार इंक्रीज ही कर लेना ठीक है। मतलब फोटो बैकग्राउंड के हिसाब से कर लेना, मैं सिर्फ मिक्स टूल को यूज़ करके आपको बता रहा हूँ कि फोटो आप अच्छे अच्छे कैसे करोगे। और ल्यूमिनस हमारा जो है इसको आप लोग थोड़ा इंक्रीज कर लेना, ये हमारा हो गया। अब अगला स्टेप है, जो हमारा अगला स्टेप है, अगले स्टेप पे हम लोग जाते हैं। उसके बाद में है अभी एक कपड़े के होता है जींस हमने पहन रखा ना, इसके मतलब इस पर आगे पीछे करते हैं, तो इस पर आगे पीछे कर रहे तो देखो ऊपर आसमान भी हो रहा था। इसको हम लोग सिंपली मतलब -35 तक रखें, इस हिसाब से आप लोग कर लेना ठीक है। मिक्स टूल का यूज बता रहा हूँ मैं, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा मतलब इंक्रीज कर लेते हैं, उसके बाद में ल्यूमिनस को इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद अगले वाला ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद ब्लू वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग थोड़ा देखो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। ये भी इफेक्ट तो इतना इफेक्ट अच्छा है, -29 तक अच्छा है ठीक है। सैचुरेशन को भी मतलब माइनस तक कर देना, ल्यूमिनस को मतलब माइनस ही कर देना, अच्छा लगेगा ठीक है। अब ये दो ये देखिए बैंगनी कलर और ये पिंक कलर का कोई मतलब यहाँ पे उपयोग नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड या फोटो में कहीं ये दो कलर नहीं है, तो इसको हम छिड़खानी नहीं करेंगे, अगर है तो छिड़खानी कर लेंगे। और बाकी जो है मतलब पिंक वाले ऑप्शन को करेंगे तो कुछ तो मिल नहीं रहा सूज हल्का हल्का, और इसको हम लोग कर लेते हैं कुछ भी कलर। अब मिक्स टूल का मतलब जो यूज है इस पिक पे हो गया है, सिंपली इस पिक पे हो गया, ऐसे आप लोग कर सकते हैं, यहाँ से डन कर देना ठीक। अगले ऑप्शन पे जाना उसके नीचे ठीक है, और उसकी जो क्लियरिटी होती है इसको हमेशा हम लोग बढ़ा लेते हैं, जिससे फेस की जो क्लियरिटी होती है बढ़ जाती है, विजनर जो है ना इसको हम लोग कम करते हैं, जिससे जो हमारा फोटो बहुत ही अमेजिंग लुक आता है यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लुक आता है। देख लो पहले फोटो यार कैसी थी और फोटो अब कैसी हो गई ये सब यूज करने के बाद। तो फिर जो मिड पॉइंट होता है इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इधर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे फेक नहीं लगेगा जो शैडो है, और राउंडनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं जिससे शैडो फेक नहीं लगेगा यार। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, जो त्रिभुज बना है ना इस पे आते हैं, उस शॉपिंग को जो उसको बढ़ा लेते हैं यार, जिससे हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखा देगा। जैसे देख लो यार ये देखो फटाफटा हुआ आ रहा था, मतलब अच्छा ये तो ये पिक मतलब मैं DSLR से खींच रहा हूँ, तो शॉपिंग को थोड़ा सा शॉपिंग को हम नहीं बढ़ाते, अगर आप मोबाइल से खींच रहे हो ना तो फिर शॉपिंग को बढ़ाओ, अगर आप मोबाइल से नहीं कैमरा DSLR वगैरह से शॉपिंग को मत बढ़ाओ, तो सिंपली नॉइज रिडक्शन को बढ़ाओ ठीक। अब कलर नॉइज रिडक्शन को बढ़ा दो और स्मूथनेस को बढ़ा दो, जिससे मेरा फेस स्मूथ हो जाए, 89-80 से ऊपर रहे स्मूथनेस ठीक है। देखो मेरा फेस इतना स्मूथ हो गया यार, इसके बाद कुछ नहीं करना हमको, बाकी सब आप मतलब मैं मिक्स टूल का यूज़ बताया था और ये पिकेट पिंक का मैं कोई आज ट्यूटोरियल नहीं बनाया, मैंने आज कोई ट्यूटोरियल आपके लिए नहीं बनाया गाइस, सिर्फ मैं मिक्स टूल का यूज़ करके आप लोग को बताऊँ लाइटरूम से अच्छी एडिटिंग कैसे करते हैं ये बता। तो अगर वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अच्छी अच्छी एडिटिंग की ट्यूटोरियल्स और अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे आते रहते हैं यार। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था, बस आप लोग को इतना बताना था कि आप लोग मिक्स टूल का लाइटरूम से एडिटिंग कैसे कर सकते हो अच्छे। तो मैं पिक को सिंपली कर लेता हूँ सेव, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो ज़्यादा तो बड़ा नहीं हो गया था, बाय बाय यार, बाय बाय।